हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल इजी कोकोनट चटनी रेसिपी। बहुत ही बेसिक रेसिपी है लेकिन उतनी ही टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपको सीखना है इसे कैसे बनाना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फॉलो करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें तो आपको न्यू रेसिपी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो है 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, 1/4 कप फलीदाना पीनट्स, 1/4 कप चना दाल, मैंने यहाँ फुटाने लिए हैं, 3-4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसके अलावा जो हमें टेम्परिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1 टेबलस्पून तेल, 1 छोटी चम्मच राई, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, कुछ करी पत्ता और हींग। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक ब्लेंडर ले लीजिए, इसमें डालिए आप किसा हुआ नारियल। मैंने फ्रोजन नारियल यूज़ किया है, आप फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पीनट्स मूंगफली। इसके बाद इसमें डालेंगे हम चना दाल, मैंने फुटाने यूज़ किए हैं चने दाल की जगह, हरी मिर्च, अदरक, इसमें डालेंगे अब हम नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एक बोल में निकाल लीजिए। अब हम बनाएंगे जो हमने कोकोनट चटनी का बेस बनाया है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसकी टेम्परिंग, इसका तड़का। तड़का पैन ले लीजिए, गरम कर लीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें राई, फिर हम डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च, अब हम डालेंगे इसमें हींग, अब इसमें हम डालेंगे करी लीव्स, करी पत्ता। इसको ऐसे ही 2-3-4 सेकंड के लिए चला लीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए। तड़का रेडी है। अब इसको हम कोकोनट मिक्स जो बनाया था उसके ऊपर डाल देंगे। देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। ये हमारी बिल्कुल इंस्टेंट क्विक बेसिक कोकोनट चटनी बनके तैयार है। जब भी आप इसको सर्व करें इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यमी चटनी है। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इमली भी ऐड कर सकते हैं, बट वो पूरी तरह ऑप्शनल है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनती है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें तो आपको न्यू रेसिपी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।